बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, टेक्निकल सालिम में स्वागत है आपका। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट कैसे लें। अगर आप कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले ना एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कंप्यूटर में या लैपटॉप में स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको माउस को लेना है। माउस को आपको सीधा एकदम नीचे लेफ्ट साइड में यहाँ विंडोज़ पर क्लिक करना होगा, इस पर। दोस्तों माउस को नीचे लाकर विंडोज़ पर लाकर आपको क्लिक करना होगा, यहाँ माउस पर लेफ्ट क्लिक करना होगा, फिर ऐसा इंटरफेस आएगा। दोस्तों ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको यहाँ जो चार्ज बार दिखाई दे रहा है, चार्ज पर आपको आना होगा माउस से। दोस्तों माउस से चार्ज पर आपको क्लिक करना होगा, क्या क्लिक करना होगा, एस एस फिर एन आई। दोस्तों एस एन आई देने के बाद ऐसा आ गया स्नैपिंग टूल। तो दोस्तों आपको माउस से फिर से स्नैपिंग टूल पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर यहाँ देख सकते हैं न्यू कैची के साथ न्यू, न्यू पर आपको न्यू के पास जाकर यहाँ एक डॉट का ऑप्शन है, इस डॉट पर आपको क्लिक करना होगा। फिर यहाँ देख सकते हैं फ्री फ्रॉम स्नैप, रेक्टेंगुलर स्नैप, विंडो स्नैप, आपको क्या करना होगा, यहाँ दो नंबर पर जो है रेक्टेंगुलर स्नैप इस पर रखना है। दोस्तों ये जो टिक है, यहाँ मैं फिर से दिखा रहा आपको, यहाँ न्यू के जो डॉट है इस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर यहाँ सेकंड में दो नीचे जो है रेक्टेंगुलर स्नैप इस पर आपको देना है। फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ स्क्रीन पर यहाँ से आपको सामने से पूरा सिलेक्ट करना है, ऐसे ऐसे माउस से पकड़ कर। दोस्तों माउस से पकड़ कर आपको पूरा सारा स्क्रीन पर सिलेक्ट करके, माउस से सिलेक्ट करके आपको छोड़ देना है। छोड़ देंगे तो स्क्रीनशॉट हो जाएगा। अभी क्या करना है आपको, अभी माउस को यहाँ दोस्तों ऊपर ले जाकर यहाँ कट का जो ऑप्शन है, यहाँ कट का जो ऑप्शन है आपको कट कर देना है। फिर ऐसा इंटरफेस आएगा, अभी यहाँ पर आकर आपको येस पर क्लिक कर देना है। येस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी फाइल नेम, दोस्तों फाइल नेम पर यहाँ आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ बैक स्पेस पर ऐसे क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा। अभी फाइल का एक नाम दे सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ मैं नाम यहाँ नंबर दे देता हूँ, एक एक चार बार दे देता हूँ, 111। दोस्तों ये दे दिया। अभी यहाँ सेव का ऑप्शन है, दोस्तों यहाँ सेव पर आपको दे देना है। तो ये स्क्रीनशॉट अभी कहाँ मिलेगा दोस्तों, इस स्क्रीनशॉट को जो आपने लिया है उसके ढूंढने के लिए आपको कंप्यूटर पर जाना होगा। दोस्तों आपका जो कंप्यूटर है ऊपर कंप्यूटर पर क्लिक करना होगा आपको। दोस्तों कंप्यूटर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर आपको यहाँ पिक्चर्स जो ऑप्शन दिखाया है दिया है, पिक्चर्स पर आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पिक्चर्स पर क्लिक करना होगा। फिर देख सकते हैं दोस्तों 11, ये देख सकते हैं चार बार ये वाला था, इस ये स्क्रीनशॉट हो गया है, ये देख सकते हैं आ गया। तो ऐसे ना मैंने जैसे जैसा किया वैसे करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कंप्यूटर या लैपटॉप में स्क्रीनशॉट आप आसानी से ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले नए वीडियो के साथ।